हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करेंगे कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कैशलेस पॉलिसी क्या होती है और नॉन कैशलेस पॉलिसी है वो क्या होती है। इन शॉर्ट वर्ड्स, क्लेम सेटलमेंट के बाद जो आपकी लायबिलिटी बनती है, अगर आप वो लायबिलिटी पे करते हैं और अपना व्हीकल है वो कलेक्ट करते हैं तो उसको कैशलेस पॉलिसी बोलते हैं। और दूसरा, क्लेम सेटलमेंट के बाद अगर आप अपनी जो टोटल लायबिलिटी, जो फाइनल टोटल बिल जो आपका बना है, वो टोटल बिल अगर आप पे करते हैं और उसके बाद अपना व्हीकल कलेक्ट करते हैं, बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी जो लायबिलिटी, जो इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी बनी थी वो लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी आपके अकाउंट में रिटर्न करती है, इसको बोलते हैं नॉन कैशलेस पॉलिसी। अब हम इसको एक उदाहरण के जरिए से समझते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद मैं अपनी गाड़ी को एक डीलरशिप पे लेके जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डीलरशिप है, डीलरशिप दो हैं, ए डीलरशिप और बी डीलरशिप। मान के चलिए कि मैं अपनी गाड़ी को डीलरशिप ए के ऊपर लेके जाता हूँ क्लेम के लिए। अब मैं क्लेम के लिए लेके जाता हूँ तो क्लेम आफ्टर रिपेयरिंग द वर्क, जब गाड़ी का जो फाइनल काम था, जो रिपेयरिंग वर्क था, वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद मेरी गाड़ी का सपोज करो कि बिल बनता है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए का बिल बन गया। अब डीलरशिप क्या करता है, उस 1 लाख रुपए के बिल को इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है। इंश्योरेंस कंपनी में 1 लाख रुपए का बिल चला जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है, असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करती है, जिसमें उस बिल के अगेंस्ट, 1 लाख रुपए के बिल के अगेंस्ट वो फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है, जिसमें ये फाइनल किया जाता है कि जो ओनर है, ओनर की लायबिलिटी क्या रहेगी और जो इंश्योरेंस की लायबिलिटी वो क्या रहेगी। तो एज पर पॉलिसी वर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है। उस रिपोर्ट बनाने के बाद वो अपनी, उस रिपोर्ट बनाने के बाद मान के चलिए कि मेरी जो लायबिलिटी बनी है वो बनी है 5,000 रुपये। अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी डीलरशिप को एक ईमेल करती है डिलीवरी ऑर्डर की, जिसको बोलते हैं डीओ, डिलीवरी ऑर्डर। वो डीलरशिप को मेल करती है, उस मेल के अंदर ये होता है कि यू कैन रिलीज द व्हीकल, आवर लायबिलिटी दैट इज, कि आप अपने व्हीकल को ओनर को हैंड ओवर कर सकते हैं, हमारी जो लायबिलिटी है वो 95,000 रुपीज़ बनी है। अब क्या होता है, जब डीलरशिप के पास वो ईमेल्स इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होता है, उसके बाद मैं अपना 5,000 रुपये की पेमेंट वहाँ पर करता हूँ और अपना व्हीकल है वो वहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी का जो अमाउंट है, 95,000 का जो अमाउंट है, वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट डीलर को पे करती है, इसको बोलते हैं कैशलेस फैसिलिटी। अब मान के चलिए कि यही चीज़ अगर मुझे बी डीलरशिप पे नहीं मिलती है, मैं वहाँ पर टोटल 1 लाख रुपये का बिल पे करता हूँ, 1 लाख रुपये का बिल पे करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मुझे 95,000 रुपीज़ की पेमेंट है वो रिटर्न करती है। रिटर्न आने का टाइम 1 हफ्ता भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए। तो क्या है, मुझे वहाँ पर कैशलेस नहीं मिला, मुझे वहाँ पर पूरी पेमेंट करनी पड़ी, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेमेंट करती है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अब जो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे, वो कमेंट्स आए हुए ये थे कि सर हमारे पास जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, नील डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, बम्पर टू बम्पर पॉलिसी है और हमें कैशलेस क्लेम नहीं मिला। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो पॉलिसी है और कैशलेस जो क्लेम है वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो कैशलेस क्लेम ही मिलेगा। कैशलेस क्लेम मिलने का प्रोसेस क्या होता है कि इंडिया के अंदर आज की डेट में 50 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी हैं जो मोटर इंश्योरेंस करती हैं और हर डीलरशिप अपनी कुछ 5 या 6 कंपनियां टाइप रखता है, यानी कि 5-6 कंपनियों के साथ वो एक एग्रीमेंट बनाता है कि अगर इन 5-6 कंपनियों के हमारे पास कोई भी क्लेम आएंगे तो हम उनको कैशलेस क्लेम की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कैशलेस क्लेम की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होता है कि उन डीलरशिप के साथ जो कस्टमर लिंक में हैं, उस कस्टमर का डीलरशिप के साथ और इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होता है। और इसी रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए हर डीलरशिप 50 से ज़्यादा जो कंपनियाँ हैं उनको अपने साथ टाई अप में नहीं रख सकता, वो कुछ सेलेक्टेड कंपनी
ही अपने पास टाइप में रखेगा। 5 से 6 कंपनी हो सकती हैं, 6 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी ही रहेंगी। 5 से 6 कंपनियां हर डीलरशिप के साथ में कनेक्ट होती हैं, टाइप में रहती हैं। जो कंपनी डीलरशिप के साथ में, जो इंश्योरेंस कंपनी डीलरशिप के साथ में टाइप में होगी, वो डीलरशिप कस्टमर को कैशलेस क्लेम की सर्विस प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज़ क्या हुआ कि उसको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी चीज़ है वो अलग है। ये नहीं है कि अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है तो आपको क्लेम भी कैशलेस ही मिलेगा। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपके पास ये है कि जब भी आप अपने व्हीकल के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं, तो आप अपने नियर बाई जो भी आपका सर्विस स्टेशन है या जो भी आपका डीलरशिप है, आप एक बार पॉलिसी परचेज करने से पहले आप वहां पर फ़ोन करके पता भी कर सकते हैं कि आपके साथ कौन कौन सी कंपनियां हैं जो टाइप में हैं, ताकि फ्यूचर में कभी आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, अगर आपके आपके व्हीकल पर कोई क्लेम आता है तो आपको जो कैशलेस क्लेम की जो सर्विस है वो आपको वहां पर मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये डाउट था कैशलेस पॉलिसी का, नॉन कैशलेस पॉलिसी का, वो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, हम आपको वहां पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।